अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे जैसे कि आज का हमारा व्लॉग है, आज हम बनाने लगे हैं आलू वाले चावल। तो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। प्यारे व्यूअर्स आज है जुम्मत अल मुबारक का दिन, माशाल्लाह से अच्छा और प्यारा और रहमत का दिन है, सबको मुबारक हो जुम्मत अल मुबारक। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह से, लाल लाल हो गए हैं और मैं आज पकाने वाली हूँ आज आलू वाले चावल। ये देखिए मैंने आलू, ये देखिए लंबे लंबे तरीके से ये काट लिए मैंने, और साथ ही अदरक है, साथ ही टमाटर है, हरी मिर्च है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आलू वाले जो चावल हम देहात में किस तरह से पका के खाते हैं। ये देखिए मैं साथ साथ ये मिर्चियाँ भी साथ हरी मिर्च ये काट रही हूँ, ये देखिए। बच्चे वापस आ चुके हैं स्कूल से और चले गए हैं बाहर खेलने के लिए, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं चावल भी बना लूँ, अपने व्यूअर्स से भी शेयर कर लूँ। ये सादा सी है रेसिपी, लेकिन जब कभी भी घर में आटा वगैरह ना हो तो फिर ये चावल बना लेते हैं आलू वाले, माशाल्लाह से बहुत अच्छे पकते हैं। साथ मैंने अदरक डाल दी, और ये देखिए मैंने आलू डाल दिए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आलू वाले चावल इसी तरह से बनाती हूँ, और बाकी किस तरह से बनाते हैं वो हर किसी का तरीका अपना अपना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं डालूँगी ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, लाल मिर्च, नमक हंसते जायका इतनी, और ये देखिए ये है गरम मसाला, ये 20 रुपए का मैंने लिया है। अच्छा तो ये गरम मसाला लौंग ये साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आग ना जले तब भी मुश्किल। फिर इतनी मुश्किल से हम आपके लिए व्लॉग बनाते हैं, तो प्लीज़ आप जैसे दूसरों को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ आप मुझे भी ज़रूर सपोर्ट किया करें। तो आज बिलाल मुझसे कह रहा था कि मम्मा आज मुझे चावल बना दो, इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से चावल बना लूँ, उसके बाद बच्चे जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मा की, तो अभी गए हुए हैं थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए, क्योंकि उनके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, नए ला के मैंने उनको उनके कपड़े बदल दिए थे। तो माशाल्लाह से अभी हमारे चावल बन रहे हैं, आलू को मैंने थोड़ा थोड़ा तड़का लगा दिया है, जब नीचे लग रहे हों तो फिर बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। माशाल्लाह से मैं भी चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ। जी तो भी बस माशाल्लाह से ये आलू पक चुके हैं और मसाला भी साथ तैयार हो गया, वो हमने आपको दिखाया, ये देखिए ये साथ ये घोल ही जाएंगे, आलू तो नहीं घोलेंगे, थोड़े थोड़े कच्चे हैं, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जितनी चावल थे, चावल मेरे थे कम से कम 1.5 गिलास, उस हिसाब से मैं अब डालूँगी। विवाह ये रेसिपी माशाल्लाह से बहुत आसान है, इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बन जाते हैं। बिस्मिल्लाह तो हमारे चावल जो थे माशाल्लाह से 1.5 गिलास हम इतने 2 गिलास और आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी तो बस एक और बात बताती चलूँ,
एक और बात बताती चलूँ, सुबह में आ रहे हैं मेरे हस्बैंड और बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, और बिलाल के लिए कुछ मेरे हस्बैंड गिफ्ट लेके आ रहे हैं। गिफ्ट कौन सा है वो हम अपने व्यूवर से सुबह अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करने करेंगे। व्यूवर्स प्लीज़, जैसे आप से यही रिक्वेस्ट है, दूसरों को सपोर्ट करते हो उनको भी करो, आप हमें भी करो। व्यूवर्स, मेरे भी बच्चों की कुछ ख्वाहिशात हैं और एक इंतज़ार में बैठे, उनकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, एक इंतज़ार में बैठे कि मम्मा कब हमारा चैनल ग्रो करेगा और कब हम शहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपकी सपोर्ट से व्यूवर्स मैं आगे बढ़ सकती हूँ, वरना ऐसे नहीं। व्यूवर्स, सुबह का जो हमारा व्लॉग होगा मैं अपने हस्बैंड से भी आपको ज़रूर मिलवाऊँगी इंशाल्लाह से। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी उबल चुका है हमारा, ये देखिए। ये चावल बनाने में बस बहुत आसान है, अगर बनाने हो तो इसी तरह से बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चावल पहले भिगो के रख दिए थे, मैंने बताया था आपको चावल थे हमारे पास 1.5 गिलास और पानी जितनी डाला वो भी हमने अपने व्यूवर्स से शेयर किया है। तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए इनका कलर माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। ये ढकना मैं ऊपर रख दूंगी और हल्की हल्की आंच पे इसी तरह से पकते रहेंगे। जी तो माशाल्लाह से हमारे चावल बन चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे उठाने वाले हैं दम पे, ये देखिए मैंने दम खोल दिया इसका। और व्यूवर्स ये देखिए, ये मैंने हरा धनिया काट के ऊपर डाल दिया था और दम पे रख दिया था, वो हम आपसे फिर नहीं शेयर कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मेरे बन चुके हैं चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यामीन आ चुका है और बिलाल और मुबीन को अभी बुलाते हैं क्योंकि अपने दोस्तों में खेलने में मसरूफ़ हैं। तो हमारे चावल हो गए हैं कंप्लीट, अब खाने लगा है यामिन। यामिन को थोड़ा सा जुकाम है, इसको मैं अलहदा से निकाल के दूंगी। और बिलाल और मुबीन भी माशाल्लाह से अभी आने वाले हैं, वो भी खाएंगे। खा लो बेटा। तो व्यूअर्स, हम जिस तरह से गांव में चावल पकाते हैं वो हमने आपसे रेसिपी शेयर की। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पहले की तरह बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, कीजिएगा अपना ढेर सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।